खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सीधी मां लोकायुक्त प्रकरण मां चल रहे फैसला मां एक लेखापाल भ्रष्टाचारी लेखापाल का 4 साल के सजा और 20,000 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम करी तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। जौने मां प्रवचक बताया रही सीधी के विशेष न्यायालय के द्वारा सोमवार का भ्रष्टाचारी लेखापाल का 4 साल की कैद और 20,000 के अर्थदंड के सजा सुनाई गई। लोकायुक्त सूत्र के द्वारा बतावागा कि 6 साल पहले 4,000 की रिश्वत लेत ट्रैप कीन का रहा रीवा लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथ पकड़े के बाद लेखापाल के मामला में ट्रायल चल रहा। यह मामला में फैसला सुनावत कीन धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड धारा 13(1) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपी का 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। लोकायुक्त सूत्र के मानिता फरियादी मुनीम पंडिका के द्वारा 30 मई 2015 का 25,000 रुपए के मकान बनवावे खातिर अस्थायी एडवांस के राशि निकलवावे खातिर आवेदन पत्र परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना कुसमी कार्यालय में दिनकर रहा। तब आवेदन पत्र का अधिकारी द्वारा कार्यवाही खातिर कार्यालय में पदस्थ लेखापाल आर्य साकेत का मार्ग कई दिन का रहा। फरियादी राशि निकाले खातिर कई लेखापाल से मिला, लेकिन वह टाल मटोल कर रहा। कारण पूछे पर राशि निकलवावे के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई रही। थक हार के पीड़ित मुनीम पनिका रीवा स्थित लोकायुक्त कार्यालय पहुंच के एसपी से मिले और फरियादी के शिकायत पर एसपी लोकायुक्त के द्वारा गोपनीय जांच कराई गई तब सही पाई गई। ऐसा मां लोकायुक्त के टीम रीवा जो है रीवा टीम सीधी पहुंच के 27 जून 2015 का दबिश देत की परियोजना कार्यालय कुसमी मां राम सजीवन साकेत पुत्र रामेश्वर उम्र 58 वर्ष निवासी पहरखा जिला रीवा का 4,000 रुपया के रकम ले ट्रैप किन कर रहा। विवेचना उपरांत जो है अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किन कर रहा। जोने पर विशेष न्यायालय सीधी द्वारा आरोपी राम सजीवन साकेत का 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपया के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचारी का सही यदि कहा जाए तो इनका स्थान है सलाखन के पीछे। काहे की सोची आम आदमी के ये खून चूसे के काम कर रहे थे और यह में यदि खून चूसर रही तो आम आदमी के ये सिस्टम से भरोसा उठी गई। आखिर जाए तक जाए कहाँ, सवाल यह उठत है कि हर जगह हर कुर्सी में एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो आम आदमी का खाए ले चाहत है चूस ले चाहत है। तो सवाल यह उठत है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज हम कब चिन्ह का देखे कब मिली। हालात यह है कि गरीब आखिर कब तक ई जो कहा जाए कुर्सी में सत्तासीन जो बैठे हो थे इनके यह भ्रष्टाचार के आतंक के पर्याय बनाए, मतलब इनके ऊपर जो में लोगन के द्वारा नजर रखी जाती और सोची कि एक आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति परेशान व्यक्ति आस लगावे तो लगावे कैसे। जो हालात है बेहद दुखद है और इस हालातन का सरकारन का स्पष्ट तौर से देखे चाहिए और भ्रष्टाचार का खत्म करे में महत्वपूर्ण योगदान दे चाहिए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।